नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात कर रहे थे कुछ स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी कुछ न्यूज चल रही है और साथ में कुछ पैनी स्टॉक्स है, और साथ में LIC के प्रॉफिट के ऊपर भी बात करेंगे, और LIC ने एक स्टॉक को बेचा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और 1 रुपए के पैनी स्टॉक के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सभी के ऊपर बात करने वाले नीचे आप कमेंट कर सकते हो अगर कुछ न्यूज हमसे छूट जाती है, तो डेफिनेटली हम अगले वीडियो उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो पहली खबर निकल के आती है टाटा पावर शेयर के लिए निकल के आ रही है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है इन वीरो के साथ टू इंस्टॉल ईवी चार्जिंग पॉइंट इन गुरुग्राम। तो डेफिनेटली दोस्तों, काफी अच्छी खबर है और लगातार ईवी सेक्टर के लिए ये जो चार्जिंग पॉइंट है टाटा पावर लगाने में लगा है, और काफी अच्छा प्रॉफिट इसको फ्यूचर में इस खबर से और साथ में इस न्यूज से भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है इसके प्राइस में, ठीक है। जो लगातार क्वांटिटी है, डिलीवरी क्वांटिटी लगातार लाखों करोड़ों शेयर लोग लगातार खरीदते के जा रहे हैं, तो टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक लगता है, लॉन्ग टर्म बैट इसमें लगाया जा सकता है। और आप देखते हो ईवी की वजह से स्टॉक कहाँ ट्रेड आज कर रहा है, एक टाइम तक स्टॉक का प्राइस 28 रुपये था, आज 233 रुपये हो चुका है। तो नज़रों में रखो, स्टॉक अच्छा लगता है, राइट। जितना नीचे गिरेगा उतना एक्यूमुलेट करना, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना, क्योंकि स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, तो स्टॉप लॉस के साथ ही करना जो भी काम करोगे, ठीक है। एंड दोस्तों, जो सिंटेक इंडस्ट्री की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 18 के आसपास, और इसी वजह से स्टॉक में आज एक हमें लोअर सर्किट देखने को मिलता है। तो जिनके पास भी पैनी स्टॉक है, तो मैं क्या बोलूँ भाई, मैं यही बोलूंगा, देखो मैं स्टॉक को 4 रुपये में बाय करके होल्ड करा हुआ, तो आप भी करो, प्रॉफिट बुकिंग आपने कर ली होगी, क्योंकि आपके साथ मैंने बहुत बार से वीडियो अपडेट दिया है कि ये स्टॉक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो अच्छी खबर नहीं है, आप देखते 18 मार्च को स्टॉक में क्या हम कर सकते हैं, क्या बड़ी खबर निकल के आती है, तो नजरों में रखो, ठीक है। और अभी क्या बाय करा जा सकता है, तो देखो यार, मैंने आपको 100 बार बताया कि किसी स्टॉक को बाय करना है तो आपको राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है, ठीक है। जब तक कोई एक स्टॉक एक रेंज में ट्रेड नहीं करता है कम से कम 1 महीने का, तो स्टॉक को बाय मत करो। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि अगर आप बाय कर भी रहे हो स्टॉक को, तो एक स्टॉप लॉस के साथ काम करो। याद होगा ये स्टॉक 1 रुपये में आपको सजेस्ट किया था, कहाँ तक गया, 10-20 रुपये तक गया था, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये लास्ट 1 महीने स्टॉक एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ आप स्टॉक पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो अगर आपको ढूंढनी है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करो, ठीक है। जो भी काम करोगे स्टॉप लॉस के साथ करो, विदाउट स्टॉप लॉस कभी काम नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों, एफ कंज्यूमर के लिए एक अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है। फ्यूचर कंज्यूमर की एक न्यूजीलैंड की जो कंपनी है उनके साथ करार था कुछ, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये जो उनकी वेंचर था, ज्वाइंट वेंचर उनके साथ, उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसी वजह स्टॉक के प्राइस में आज एक हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। अब ये नेगेटिव सेंटीमेंट क्या स्टॉक को नीचे तक लेके जाएगा, तो देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, आप जो भी स्टॉक बाय करते हो स्टॉप लॉस के साथ काम करो। ये स्टॉक का मेरा जो स्टॉप लॉस 6 रुपये का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस में, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो उस समय, अगर नहीं होता तो आप स्टॉक को कैरी करो, ठीक है। अगर एक बार स्टॉप लॉस होता है तो आप स्टॉक पे दोबारा एंट्री करो विद अ प्रॉपर रिस्क प्रोफाइल और मनी मैनेजमेंट के साथ, मैं खुद करूंगा अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं LIC के बारे में। LIC की खबर निकल के आ रही है कि इसने 2% अपना जो स्टेक था इस स्टॉक में सिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें ऑफलोड किया है, मतलब बेचा है। तो अब देख लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस कैसा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो SCI स्टॉक का नाम है, और अगर चार्ट पैटर्न की बात करता हूँ, स्टॉक अभी एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें इन्होंने 2% की होल्डिंग कट करी है। पहले चेकआउट करते हैं कि होल्डिंग कितनी है, ठीक है, उसके बाद हम आगे का डिसीजन शेयर करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं देख करता हूँ DII की होल्डिंग, तो यहाँ देख सकते हो उनकी होल्डिंग 7% के आसपास थी, जो अब 6% हो चुकी है, और लगातार ये अपनी होल्डिंग 11% से 6% पर लेके आ चुके हैं, मतलब डिक्लाइन करने में लगे। तो यहाँ पर ये अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, आप ये मान के चल सकते हो। मार्च 2019 में इनकी होल्डिंग थी ये, तो मार्च 2019 में जो प्राइस था, पहले हम वो देखते हैं, तो मार्च 2019 में प्राइस आपका ये रहा, देख सकते हो यहाँ भी ट्रेड करता था। तो मतलब भाई सिंपल सी बात है कि ये स्टॉक इनके पास काफी सस्ते में होगा, इन्होंने नीचे एवरेज किया होगा, अब इनको काफी अच्छा बाइंग प्राइस मिल रहा, तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वही कर रहे हैं। हर व्यक्ति को देखो सीखो बड़े प्लेयर से, वो हमेशा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर LIC ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, इसलिए भी कभी भी किसी स्टॉक को दिल से मत लगाओ, अगर आपका अच्छा पैसा बन रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करना सीखो, ठीक है। तो दोस्तों, अब थोड़ा बात करते हैं LIC के
Q3 नेट प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का जो Q3 नेट प्रॉफिट है वो जंप हुए है, ठीक है, 234 करोड़ का प्रॉफिट दिया, लेस देन 1 करोड़ आया लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, ठीक है। और आप देख सकते हो कंपनी का, जैसे आपको पता है बहुत जल्द IPO भी आने वाला है, तो नजरों में रखो कंपनी के नंबर्स आपके सामने, 234 करोड़ का प्रॉफिट ठीक ठाक प्रॉफिट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों कुछ और स्टॉक के बारे में बात कर लेते, सन फार्मा के बारे में, सिप्ला के बारे में और बलरामपुर चीन के बारे में। तो सभी स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलती है। पर्सनली मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो सिप्ला है। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता रखा कि स्टॉक अच्छा लगता है, ये स्टॉक यहाँ डबल भी हो सकता था, ठीक है, कब की बात है, ऑलमोस्ट एक वीडियो कवर किया था। और ये स्टॉक अच्छा लगता था, क्यों था अच्छा लगता था आप देखो, बिल्कुल समझो बात, क्योंकि ये स्टॉक आपको क्यों शेयर किया गया था, ये मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोला हुआ है और देखो यहाँ एक मंथली में इनसाइड बाय कैंडल बना था यहाँ पर, तो यहाँ इसी वजह से स्टॉक मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता था, 750 रुपये के प्राइस में, और ये हमारा स्टॉक लॉस ये था, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से दिया गया था और बहुत पहले स्टॉक आपको यहाँ 657 रुपये के प्राइस में सजेस्ट किया था, 1.5 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से था, देखो स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा हमें प्राइस दे रहा है, 950 से 1050 हो चुका है, तो ऑलरेडी हमें 1:1 का गेम आ चुका है। अब बहुत जल्द स्टॉक यहाँ से देखो, अगर आपने 950 के लेवल बाय किया है तो मेरे हिसाब से 1850 रुपये से पहले स्टॉक को मत बेचना, पर आज से स्टॉक में काफी तेजी हमें देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 5-6% स्टॉक ऊपर था, ठीक है। तो यही बोलूंगा आज स्टॉक को मत बेचना भूल कर भी, स्टॉक को होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा पैसा है आपको बना के दे सकता है, ठीक है। बाकी नंबर्स कंपनी के लगातार अच्छे आ रहे हैं, तो नजरों में रखो स्टॉक को। बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर स्टॉक की तरफ, जैसे तो दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर बात कर लेते, स्टॉक पे दोबारा अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं, आप देख सकते हो याद होगा आपको 5 रुपये शेयर रिकमेंड किया था, आज स्टॉक का प्राइस 18 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा कि मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, वो वीडियो एक बार प्लीज आप चेकआउट करना, ऊर्जा ग्लोबल के साथ आप विवेकानंद स्टॉक मानना आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टॉक का रजिस्ट्रेशन एरिया के आसपास देखो आ चुका है, ये स्टॉक का पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया है, ये जो एरिया है स्टॉक का पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया है, तो यहाँ पर आप चाहो तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ऊर्जा ग्लोबल शेयर में आपको ये करके चलना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा और अदर स्टॉक के बारे में, जैसे सालिवर प्रोडक्शन, तो ये स्टॉक 1 रुपये का हो चुका है, ठीक है, 49 पैसे में सजेस्ट किया था, देखो ऑलमोस्ट 104% का रिटर्न आ रहा है स्टॉक में अभी, तो मैं यही बोलूंगा 100% का गेन आ चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर लो। मैंने तो एक अकाउंट पे कर लिया, दूसरे अकाउंट में मैं शायद कर लूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि भैया हमें अपनी कैपिटल बचानी है, क्योंकि स्टॉक में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है जो एक बैड सेंटीमेंट है, इसलिए थोड़ा बहुत माल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना एग्जिट कर लीजिए आप, ठीक है। वीडियो को समाप्त करता हूँ, आई थिंक यही स्टॉक थे, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बाकी मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो।